वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और ये ब्लॉग मैंने रात में स्टार्ट किया है। और ये रात का मेरा जो टाइम है वो भी बता देती हूँ। तो रात का टाइम 9:25 फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 9:25 और मैंने इतनी रात में ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। और इस ब्लॉग को स्टार्ट करने के भी कोई एक छोटी सी वजह है, अब वो वजह भी बता देती हूँ कि मैं बड़ी खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ कि खुश इसलिए हूँ, बता दूँ दोनों चीज़ों, एक्साइटेड भी हूँ और खुश भी हूँ। और खुश इस वजह से हूँ कि कल से मैं पूजा करना स्टार्ट कर दूँगी। और 3-4 दिन मैंने लास्ट पूजा नहीं करी थी, और जब मैं पूजा नहीं करती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है मेरा। तो कल से मैं पूजा स्टार्ट करूँगी, तो मुझे जो पूजा करने की जो खुशी मिलती है, जो शांति मिलती है, जो पॉजिटिविटी मिलती है मुझे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं खुश हो रही थी कि चलो इतने दिन मैंने नहीं किया, अब कल से मैं पूजा स्टार्ट करूँगी, तो इस बात की तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। और दूसरा ये है कि एक्साइटेड इसलिए थी कि कल हमारे मंदिर से ही कलश यात्रा निकलने वाली है। तो मैं बता दूँ कि हमारे मंदिर से ये दूसरी बार कलश यात्रा निकलेगी। पहली बार जो कलश यात्रा निकला था वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, और आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके भी देखना। और कल दूसरी बार हमारे मंदिर से कलश यात्रा निकलने वाला है, और ये दूसरी बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम सब मिलके कल शेरावाली माता की जो मूर्ति आई है वो उनको हम लोग परमानेंट मंदिर में स्थापित करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग कलश यात्रा कल निकालने वाले हैं। और हम लोगों की जो मंडली है, 20-25 औरतों की मंडली है जो हमारे आस पड़ोस में ही है, जो हमेशा ही साथ रहते हैं भजन में, कीर्तन में, कोई भी पूजा में, हम लोग हमेशा साथ रहे हैं, तो एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो मतलब कि बड़ा अच्छा सा लगता है। तो हम सबको मंडली में, मंडली जो हमारी है वो तो रहेगी ही रहेगी कलश यात्रा में, लेकिन बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। और वैसे कलश यात्रा में सम्मिलित होना बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है, और बहुत किस्मत की भी बात होती है क्योंकि कलश यात्रा सबको मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से कलश यात्रा मिलता है किसी को। और हमें तो फिलहाल हम 2 बार मिल चुका है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और फिलहाल बस इसीलिए मैं साड़ी वाड़ी लेके बैठी हुई थी कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, और मैंने अभी साड़ी निकाली थी। तो लास्ट टाइम मैंने कलश यात्रा में येलो कलर की साड़ी पहनी थी, और आज इस बार मैं सोच रही हूँ शायद मैं रेड कलर की साड़ी पहनूंगी। और कलश यात्रा में ऐसा होता है कि रेड या येलो ही पहना जाता है, कोई और दूसरी साड़ी नहीं पहनी जाती, कोई और कलर नहीं पहना जाता है। तो रेड पहन सकते हो या फिर आप येलो पहन सकते हो, तो येलो लास्ट टाइम पहना था तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार रेड पहन लूँ। और रेड में भी मैं यही सोच रही हूँ कि कौन सा पहनूँगी, क्योंकि मैं बस 3 रेड कलर की साड़ियाँ हैं, और 2 तो इतनी हैवी है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा वर्क है नीचे। तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि बहुत हैवी पहन लूँगी तो चल नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है कलश को लेके, पानी भी भरा होता है, तो वो कलश को भी संभालना है, फिर साड़ी को मैं कैसे संभालूँगी, साड़ी बहुत हैवी है। तो ये सोच के मैं सोच रही हूँ कि लाइट वाली साड़ी पहन लूँ। तो देखती हूँ कल मैं कौन सी साड़ी पहनूँगी। वैसे पूरा 90% तो है मन कि मैं लाइट ही पहनूँगी, क्योंकि मैं चल नहीं पाऊँगी हैवी साड़ी डालूँगी तो इसलिए मैं लाइट ही पहनूंगी। और देखती हूँ अभी निकालूँ, कल सुबह मॉर्निंग में रेडी होंगी तो आप लोग देख ही लोगे क्या पहन रहे हो। सो फिलहाल लाइट वाली साड़ी तो आप लोगों ने देखी है, ब्लॉग उसमें देखी होगी, शॉर्ट्स में देखी है, लाइट साड़ी मेरी रेड कलर की वो देखी होगी आप लोगों ने, हैवी वाली साड़ी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। और देखती हूँ मैं हैवी, मेरे को लगेगा कि मैं पहन के चल सकती हूँ तो मैं पहन लूँगी, नहीं तो मैं वही लाइट पे ही आ जाऊँगी, हल्के वाले पे ही आ जाऊँगी। और दूसरा ये कि मैं ब्लीच लेके बैठी थी ब्लीच करने के लिए, क्योंकि मैंने राखी की ब्लीच कर रखी है, और उसके बाद मैंने ब्लीच भी नहीं किया, ना ही कुछ भी मतलब नहीं किया, अपने फेस को बिल्कुल भी केयर नहीं किया मैंने। और ये थ्रेडिंग भी राखी पे बनवाया था, और अब मैं कल बनवा के आई हूँ, तो बीच में शरारत पड़ गया था तो शरारत की वजह से मैंने नहीं बनवाया था। तो फिलहाल मैंने कल थ्रेडिंग कराई है और आज मैं ब्लीच करूँगी। तो अभी टाइम भी आप लोगों को मैंने बताई दी कि काफ़ी टाइम हो रहा है, 9:30 से ऊपर ही होगी, अब तो 9:25 पे मैंने स्टार्ट किया था। तो फिलहाल बस मैं अब इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी कल, और चलिए ठीक है। तो फिलहाल अभी सब सोते हैं और उसके बाद मिलते हैं कल। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज नवरात्रि का चौथा दिन है और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और मैं फटाफट हाथ मुंह धो के आ गई थी किचन में लंच और नाश्ता बनाने के लिए। तो फिलहाल मैंने गोभी आलू काट के रखा हुआ था, आलू नहीं गोभी काट के रख दिया था मैंने रात में ही, और आलू अभी मैंने काटा है सुबह मॉर्निंग में। तो फटाफट मैं बना रही हूँ और आज मुझे काम 9 बजे तक सारा काम फिनिश करना है। और साथ में मैं आज लंच जो दोपहर में दाल चावल बनाती थी वो दोपहर में दाल चावल नहीं बनाऊंगी, आज मैं रोटियाँ ही सेक दूंगी दोपहर के लिए भी, क्योंकि मैं बता रही थी कि आज कलश यात्रा पे हम जाने वाले हैं। तो कलश यात्रा पे जाऊंगी तो वहां से आऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ और वहां से आने के बाद फिर भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो फिलहाल मैं सुबह सुबह ही दोपहर के लिए मैं रोटियां सेक दूंगी और सेक के जाऊंगी। तो फिलहाल फटाफट यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ और फटाफट ये आटा गूंद के रख दिया है मैंने और रोटियां बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आटा गूंद चुका है और अब मैं फटाफट रोटियां बनाऊंगी और दूसरी तरफ सब्जी बनी रही है। तो फिलहाल ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रोटी बना दी है और सब्जी भी बन चुकी है और मैंने साथ में हस्बैंड के लिए चाय भी बनाई थी तो उनको मैंने चाय भी दे दी है। और यहाँ पे बस किचन को मैं साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं जा रही हूँ घर में झाड़ू और पोछा करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और एक तरफ मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े की, तो कपड़े भी धुल रहे हैं, तो मेरे सारे काम साथ साथ में हो रहे हैं और ये जल्दी जल्दी मैं फिनिश कर रही हूँ ताकि मैं टाइम से रेडी हो सकूँ। तो फ्रेंड्स से सारे काम निपटाने के बाद, नहाने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में अपने पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ इधर पूजा कर रही थी और इधर शानू सारे कपड़े निकाल के फैलाकर चूज़ कर रही थी कि मैं कौन सा पहनूँ क्या पहनूँ, और पूरे अलमारी को उसने खोल दिया था, तहस नहस कर दिया था आज इसने। तो सुबह ही सुबह मुझे आज गुस्सा आ गया था, 8:30 का टाइम था ये और 8:30 बज रहे थे, मैं रेडी नहीं हुई थी और ये मैडम सब कुछ फैला चुकी थी। तो उसके बाद मैंने सब कुछ समेटा और फिर मैं रेडी हुई और सानू को भी मैंने रेडी किया और यहाँ पे मैं अपने पैरों पे महावर लगा रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और प्लीज आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ रेडी होने के बाद। और फिलहाल सुबह से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं पूरा कैप्चर कर लूँ जो जो सारा काम था, सुबह सुबह बहुत सारा काम था। तो सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और फटाफट फटाफट सारा काम मैंने निपटाया और थोड़ा बहुत तो किचन का जो मैंने कैप्चर किया है वही थोड़ा सा मैंने डाला है आगे। और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, मैं फटाफट काम निपटाती थी क्योंकि मुझे 9 बजे तक काम सारा फिनिश करना था, अपनी घर की पूजा भी करनी थी और मुझे रेडी भी होना था। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी कवर नहीं किया। तो फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ये एकदम लाइट वेट में जो रेड कलर की मेरे पास साड़ी है तो मैंने वो डाली है, और मैंने हैवी वाली नहीं डाली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी। मैंने डाला तो सुबह मॉर्निंग में पहनने की कोशिश कर रही थी पर मुझे इतना वेट लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं चल पाऊंगी। और पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि आवाज़ मंदिर से भी आ रही है पूजा की। और ये देख लो अनाउंसमेंट हो रहा है, वो लोग बुला रहे हैं हमें। तो अब बस मैं थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, मंदिर जाऊंगी और बस मैं सोचा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा सा। और फ्रेंड्स ये वाली चुन्नी देखिए, ये चुन्नी हम सबको मंदिर से मिली है और सेम चुन्नी सबको मिली है, और जिस जिसने संकल्प लिया था कि हाँ कलश उठाएंगे तो सबको ये वाली चुन्नी मिली है। और हमें ये चुन्नी ओढ़नी है सर पे इस तरीके से, ऐसे ऐसे मैं ओढ़ूंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पिनअप करूंगी क्योंकि पिछली बार मैंने जो चुन्नी ली थी ना वो मेरी घर की ही चुन्नी थी, पिछली बार लास्ट टाइम चुन्नी नहीं दी गई थी। तो लास्ट टाइम सबने अपने अपने घर की चुन्नी ली थी, तो मेरे पास बहुत सारी चुन्नियाँ, 2-3 चुन्नियाँ हैं मेरे पास जो रेड कलर की थी, माता की चुन्नी थी, तो वो मैंने पहनी थी और बहुत हैवी भी थी, बट ये बहुत हल्की है, ये कंफर्टेबल होगी और मैं इसे अभी पहनूंगी। और फिलहाल बस सॉरी फ्रेंड्स, अभी मेरी फ्रेंड आ गई थी बुलाने के लिए, तो बस सब जा रहे हैं तो इसलिए बुलाने के लिए आई थी, तो बस मैं भी जा रही हूँ। और बस आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और बस मैं फटाफट ये चुन्नी को भी पिनअप कर लूँ।
तो ताकि पिछली बार मैंने पिनअप नहीं किया था तो बड़ी दिक्कत हुई थी, इस बार मैं पिनअप करूंगी ताकि चुन्नी फिसले ना। और चलिए मेरे साथ आप लोग भी कलश यात्रा पे, और आप लोगों को भी लेके चलूंगी वैसे तो, और जितना हो सके मैं उतना कवर करने की कोशिश करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं मंदिर आ चुकी हूँ और ये देखिए इतने सारे कलश, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना कलश रखे हुए। तो फिलहाल यहाँ पे सबको कलश दिया जा रहा है और मैंने भी यहाँ से अपना कलश लिया है, और कलश लेके बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाने लग गई थी। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ बैठी हुई हैं सबने अपना अपना कलश ले लिया है, और बस कुछ लेडीज़ रह गई हैं तो वो धीरे धीरे अपना आ रही हैं, और जैसे जैसे आ रही हैं वो वैसे वैसे अपना अपना कलश लेके बैठी हुई हैं। और फिर थोड़ी सी पूजा होगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे कलश यात्रा पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और यहाँ से हमारी कलश यात्रा स्टार्ट हो गई है। और बहुत सारी लेडीज़ थी, 200 300 से ऊपर ही लेडीज़ थी। और बहुत चलने के बाद हम लोग दूसरे मंदिर में पहुँचे थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और यहाँ से पंडित जी से हम लोगों ने पानी अपने कलश में भरवाया है। और उसके बाद हम लोगों ने मतलब हम लोग मंदिर में अंदर गए और भगवान के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर से हम लोगों ने अपना जो ये कलश यात्रा थी तो वो कलश यात्रा हमने स्टार्ट की। तो फ्रेंड्स, कलश में हम लोगों ने जल भर लिया है, और उसके बाद हम लोग से वहाँ से फिर रिटर्न हो गए थे। और फिर हम अपने मंदिर जा रहे हैं, और बस यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी मिल रही गई थी। तो यही ऐसा ही हो रहा है, कोई मिल रहा था कोई पिछड़ रहा था, तो इतनी भीड़ थी कि कोई मिल रहा था कोई पिछड़ रहा था। और हम यहाँ पे अपने मंदिर में आ चुके हैं, और ये मंदिर की अपने मंदिर में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे स्थापना हो रही है, तो तीन मूर्तियों की स्थापना हुई थी, किशन जी की, और साथ में सरस्वती जी की, और एक शेरावाली माता जी की। तो यहाँ पे किशन जी और सरस्वती जी आ चुकी हैं, और अब जा रहे हैं शेरावाली माता जी को लेने के लिए। तो वो उनको लेकर आएंगे और फिलहाल उनकी स्थापना करेंगे और पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है स्थापना तीनों मूर्तियों की, तो यहाँ पे हम सब उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इनके दर्शन कर रहे हैं। और अभी सारी मूर्तियों पे कपड़ा बांधा हुआ है लाल रंग का, और ये लाल रंग का जो कपड़ा है ये हटेगा सप्तमी के दिन। तो हम लोग सप्तमी के दिन बहुत अच्छा, सप्तमी के दिन भी होता है, तो सप्तमी के दिन भी हम लोग आएंगे और फिर इनकी आंखें खुलेंगी, माता की आंखें खोलेंगे हम लोग, तो बड़ा ही अच्छा लगेगा वो दिन भी। तो यहाँ पे ये देखिए शेरावाली माता के भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, येलो कलर का कपड़ा बांध रखा है, तो ये सप्तमी के दिन खुलने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं मंदिर से घर आ चुकी हूँ, और हम लोग जो कलश यात्रा थी वो अच्छे से संपन्न हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, बस इस बार ऐसा है कि मेरे पैरों में छाले नहीं पड़े हैं। लास्ट टाइम मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, और उस टाइम छाले इसलिए पड़ गए थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप थी। और इस टाइम भगवान ने हमारा साथ दिया है, पूरा पूरा साथ दिया है, क्योंकि परसों बारिश हो गई थी, और बारिश होने की वजह से बहुत ठंडा मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, तो प्यास भी बिल्कुल नहीं लगी। और हम लोग गए तो नंगे पैर होते हैं, बट बिल्कुल भी इस बार फील नहीं हुआ कि हम लोग नंगे पैर हैं या पैर हमारा जल रहा है, तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। बहुत अच्छा। क्या हो गया, क्या हुआ? आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। शानू को पता नहीं क्या हो गया, शानू रो रही है। आओ, क्या हुआ? आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रोती नहीं है, रोती थोड़ी ना है। टीशर्ट कहाँ है? ड्रेस चेंज कर ली? और शानू ने हमारी ड्रेस चेंज कर ली आकर। और शानू को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि शानू 12:30 बजे आ जाती है स्कूल से, तो इसलिए मैंने इसे नहीं भेजा था, क्योंकि हम लोग कलश यात्रा पे जब जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, और इस वजह से मैंने इसे नहीं भेजा था। और आरा को स्कूल भेजा था, क्योंकि आरा तो बड़ा भी है, समझदार भी है, और वो 2:30 बजे आता है, तो मुझे इतना था कि हाँ मैं 2:30 बजे तक आ जाऊँगी घर। और ऐसा ही हुआ, मैं 2 बजे तक घर आ चुकी थी, तो मैं 2 बजे आई और आरू हमारा 2:30 बजे आया, तो इसका स्कूल तो हो गया था। लेकिन शानू को मैं लेकर गई थी, शानू की छुट्टी थी तो शानू हमारे साथ गई थी। और फिलहाल बस, और बाकी सारे तो काम वाम करके गई थी, मैंने आप लोगों को बताया, बस कपड़े नहीं डाली हूँ। अब अभी मैं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए,
और कपड़े डालूंगी। कपड़े डालने के बाद फिर मैं एक हमारे पड़ोस में दीदी हैं तो उनके घर भी कीर्तन है, तो मैं उनके घर भी जाऊंगी। उन्होंने 3 बजे बोला था उन्होंने आने के लिए और अभी टाइम हो रहा 3:30, तो फिलहाल मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ, मैं थोड़ी देर रुक के ही जाऊंगी उनके घर पर। और उनके घर पे जाना, उनके घर पे क्या, किसी के भी घर पे जो लोग हमें बुलाने आते हैं, तो यही 9 दिन होते हैं, इसी 9 दिनों में लोग आते हैं एक दूसरे के घर में बुलाने जाते हैं कीर्तन के लिए, कथा के लिए, पूजा के लिए। लोग पूछते हैं और अपने ही सारे हैं या आस पड़ोस में सारे अपने ही हैं, 13-14 साल से हम उन लोगों को हम जानते हैं, बहुत अच्छा हम लोगों का सबका वो है, बॉन्डिंग है हम लोगों के, जो जो होता है आस पड़ोस में जो अच्छी बॉन्डिंग होती है वो वाली बॉन्डिंग है, तो वो चीज़ अच्छी है। इस वजह से जो भी कोई आता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, बॉन्डिंग भी अच्छी है। फिर माता के लिए कोई बुलाने के लिए आ रहा है कि भाई माता का दरबार लगा हुआ है, माता का कीर्तन है, तो वहाँ पे मुझसे मना नहीं किया जाता है, मैं जाऊँगी। अगर टाइम नहीं है तो भी मैं 10 मिनट के लिए भी जाऊँगी, पर मैं जाऊँगी और मैं जाती हूँ, 10 मिनट के लिए भी जाती हूँ, मत्था टेक के मैं आ जाती हूँ। तो वैसे सच बताऊँ तो मना नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात हमें बुलाने के लिए माता जी आती है, तो इसलिए कभी मना नहीं करना चाहिए। सो फिलहाल अभी थोड़ी देर में जाऊँगी, अभी जा रही हूँ मैं छत पर कपड़े डालने के लिए, और बहुत लेट हो चुकी हूँ आज मैं, और लग रहा है 3:30 का टाइम हो रहा है यहाँ पे, 3:30 बज रहा है, धूप भी चली गई होगी छत से, तो मैं जा रही हूँ कपड़े डालूँगी, कपड़े डाल के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद मैं जाऊँगी, बस 10-15 मिनट के लिए उनके घर जाऊँगी, और फिर देखती हूँ आके कि क्या करना है कैसे करना। सो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए, मैंने आप लोगों से अभी बताया अभी था कि मैं कपड़े डालने जा रही हूँ, तो मैं कपड़े डालने के लिए आई थी, तो आरू भी आ गया था साथ साथ में, और मैंने इसे कपड़े डालने में लगा दिया, तो आरू मेरा काम कर रहा है आरू मजे में आ गया आरू मजे मजे में आया था छत पे टहलने के लिए, और बस ऐसे मजे मजे में आ गया, और मैंने उसे काम दे दिया कि आरू अब छत पे आए हो तो थोड़ा कपड़े डाल दो, तो बेचारा कपड़े डाल रहा है इधर आओ, और मेरा बेटा कितना अच्छा है, बहुत हेल्प करता है, जब भी मैं कुछ बोल देती हूँ ना तो ज़रूर करता है ये, तो कपड़े डाल रहा है फिलहाल, अभी मेरी हेल्प कर रहा है। और शानू सो गई है, तो शानू उस टाइम रो भी रही थी, हुनहुन कर रही थी, तो मैं उसे सुला के तब मैं आई हूँ छत पर, और फिलहाल चलो मेरा एक काम तो मेरा बेटे ने इजी कर दिया, कपड़े डाल दिए मेरे बेटे ने, और देखो मैं अभी दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े सुबह मॉर्निंग में धोए थे, और सुबह सुबह ही मैंने सारा कुछ, मतलब मैं बता रही थी कि सुबह मैंने सब कुछ निपटा लिया था, तो कपड़े भी हाथों हाथ मैंने धो लिए थे, तो दिखाती हूँ कपड़े कितने सारे धोए हैं, और आरू ने कितने सारे कपड़े डाले हैं। मेरे लिए तो चलो रोज़ का काम है, लेकिन बेचारे आरू का तो रोज़ का काम नहीं है, और आरू ने इतने सारे कपड़े डाले हैं, अभी दिखाती हूँ। तो ये है मेरा मेहनती बच्चा, और मेरे मेहनती बच्चे ने कितने कपड़े डाले हैं आरू, काउंट करो बेचारा काउंट भी कर रहा है 18 कपड़े डाले हैं उसने, और वो सॉक्स तो भूल गए आरू, सॉक्स तो काउंट ही नहीं किया, 20 सॉक्स मिला के 20 कपड़े मेरा ये वाला काम तो निपट चुका है, और नीचे झाड़ू भी लग चुका है, क्योंकि शानू को सुलाने के बाद मैं झाड़ू लगा कर आई थी छत पर, तो मेरे 2 काम शाम के निपट चुके हैं, कपड़े डल चुके हैं, झाड़ू लग चुका है, रह गए बर्तन, तो ज़्यादा थाली नहीं है, फिर 2-3 हमने जो खाए हैं दोपहर के वही थालियाँ हैं, तो जाऊँगी मैं उसे माँजूँगी, और माँज के मैं जाऊँगी कीर्तन में, 10-15 मिनट बैठूँगी वहाँ पे, फिर आती हूँ, फिर पीऊँगी मैं चाय, क्योंकि मुझे चाय के लिए अलग अभी से ही लग रही है, क्योंकि 4 बजने वाले हैं, इसलिए हुड़क सी हो रही है कि मुझे चाय पीनी है, लेकिन अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं जाऊँगी पहले वहाँ से कीर्तन में, कीर्तन से होकर आती हूँ, तो उसके बाद मैं फिर पीऊँगी चाय, तो चलो जल्दी से चलते हैं और वहाँ से होके आते हैं। तो फ्रेंड्स, नहाकर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और यहाँ पे शाम की पूजा भी हो गई है, और दोनों बच्चियाँ मतलब कि शानू और उसकी फ्रेंड, वो दोनों मस्ती कर रही हैं, तो आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ उनको।
यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ पूजा वूजा करने के बाद, और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, और साथ में फ्रिज खोल के ये सोच रही हूँ कि मैं आज यहाँ पे क्या बनाऊँ। तो फिलहाल फ्रिज में 3-4 सब्जियाँ पड़ी हुई थी, तोरी, बैंगन और साग। तो मैंने सोचा कि साग गल जाएंगे, मैं साग काट के साग बना लेती हूँ डिनर में। तो साग मैंने साइड में कर दिया, उसे रख दिया कि मैं इसे अभी काटूँगी। और यहाँ पर बस मैं चाय बना रही थी, और जैसे ही मैंने चाय पत्ती का डब्बा उतारा तो देखा तो उसमें चाय पत्ती बहुत थोड़ी सी थी। तो फिर न्यू पैकेट निकाला, चाय पत्ती डाल काट चाय पत्ती का जो ये पैकेट था वो उसे कट किया, चाय पत्ती डाली, और उसके बाद मैंने चाय को बॉईल होने के लिए गैस पे ही रख दिया 5 मिनट के लिए कि अच्छे से वो पक जाए। और मैं सब्जी लेके उसके बाद मैं चली गई थी रूम में, और यहाँ पे चाय पक रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं जब तक रूम में जाती हूँ और सब्जी काटती हूँ तब तक चाय पक जाएगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ रूम में। सो फ्रेंड्स, जब मैं साग को रूम में लेकर आई तो हस्बैंड ने देखते ही कहा कि साग मत बनाओ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मैं सच बताऊँ तो टाइम की कोई बात नहीं थी, इनको साग पसंद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई और सब्जी देख लो डिनर में, कुछ और बना दो। तो फिलहाल मैं बैगन आलू ले आई थी, बैगन आलू को मैंने कट करके रख दिया है, साथ में चाय भी ले आई थी, चाय भी पी रही हूँ। तो ये बैगन आलू काटने के बाद, चाय पीने के बाद, अब मैं पालक जो है वो मैं पालक को भी साफ करके कट करके और धो के रख दूंगी ताकि सुबह सुबह मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैं सुबह साग की कोई भी सब्जी बना दूंगी, भुज्जी बना दूंगी, कुछ भी बना दूंगी। तो फिलहाल अब मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे करूंगी एंड। और फ्रेंड्स, आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं पे करती हूँ एंड, और बस फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।